हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हो रहा है शाम का समय, तो शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं कर रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ टाइम बच रहा था, तो दोपहर में मैंने खाना वगैरह बनाने के बाद बच्चों को थोड़ी देर बैठ कर पढ़ाया वगैरह, उसके बाद बच्चे चले गए थे ट्यूशन। और यहाँ पर शाम के समय में फिर मैंने चाय वगैरह बनाकर यहाँ पर करने लग गई थी फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि फ्रिज हो रहा था काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा गंदा। तो यहाँ पर फ्रिज की क्लीनिंग के साथ साथ देखिए, मैंने फ्रिज के सारे सामान बर्तन वगैरह सभी धो लिए हैं। देखिए फटाफट से ये सब मैंने फ्रिज के स्टैंड वगैरह, और ये सब कांच के हैं तो इस वजह से बहुत ही ध्यान से धोने पड़ते हैं, तो मैंने इन सबको निकाल कर बाहर ले आई हूँ। और यहाँ पर मैंने घोल लिया था सर्फ, तो थोड़ा सा सर्फ में मैंने डाल लिया है पानी, और उसको गर्म करके अच्छे से उबाला दिलवा कर यहाँ पर गर्म पानी से धो रही हूँ मैं, ताकि सब अच्छे से चमक जाए। और इसमें यहाँ पर देखिए शीशा वगैरह, सभी शीशे धोकर मैं सबको रख दूँगी ताकि ये सूख जाए, और उसके बाद करूँगी मैं फ्रिज की क्लीनिंग। जितने में ये सब साफ़ हो जाएगा उसके बाद ही फ्रिज की क्लीनिंग हो पाएगी। तो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था फ्रिज कितना ज़्यादा गंदा हो रहा था, और यहाँ पर ये सब धोने लगी रही थी, देखिए पानी कितना कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये अच्छे से धुल भी नहीं पाए थे क्योंकि टैंक खाली हो चुका था, तो लाइट भी नहीं आ रही थी, इस वजह से मोटर वगैरह समरसेबल में नहीं चला पाई। तो यहाँ पर मुझे आधे बर्तन बीच में ही छोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जितने मेरे से धुल पाए मैंने धो दी, क्योंकि मुझे इनको जल्दी से धोकर सुखाना भी था, रात को ही फ्रिज को लगा कर रखना था ताकि पूरी रात में इसमें ठंडक भी अच्छे से हो जाए। तो फिर ये देखिए, यहाँ पर जितने बर्तन धुल चुके थे धुल गए, उसके बाद ये मैंने यहाँ पर धोने शुरू कर दिए थे पन्ने, क्योंकि इनका भी धोना ज़रूरी है, नहीं तो शीशे वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो ये मैंने मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से, और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले। और ये जो वाइट कलर में आप देख रहे हैं रेड फ्लावर वाला, तो ये मैंने यहीं पर लोकल मार्केट से लिया था, तो ये बढ़िया निकल गए थे, लेकिन फ्लिपकार्ट से जो मंगाए थे ये वाले अच्छे नहीं निकले बिल्कुल भी, और बहुत ही हल्के हैं, क्वालिटी वाइज बिल्कुल बेकार थे, तो इनको मतलब लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फ्रिज का कवर वगैरह ये भी आया था, तो ये सब बिल्कुल ही ख़राब थे, तो मैंने इन सब को रख दिया यहाँ पर। और उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर पानी बिल्कुल जाने वाला हो रहा था, यहाँ पर पानी जा चुका था, तो मैंने काम छोड़ दिया, तो मैंने यहाँ पर दूसरा काम पकड़ लिया है मलाई का। तो यहाँ पर मलाई रखी हुई थी घी बनाने के लिए, अब फ्रिज खाली किया ही है तो मलाई को भी मैंने सोचा मक्खन निकाल लूँ। यहाँ पर मैंने फ्रिज में 2 ही डब्बी रखी हुई थी, और यहाँ देखिए मक्खन निकालने के चक्कर में लगकर मैंने यहाँ पर सोचा हाथ से ही निकाल लूँगी, मतलब मिक्सी का जग वगैरह सभी बर्तन इतने ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये सब मतलब मलाई निकालने से चिकने वगैरह हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर हाथों से ही हिलाना शुरू कर दिया है। देखिए इसको मैंने मक्खन हाथों से ही निकालना शुरू कर दिया, उसके बाद यहाँ पर इतनी देर तक इसे बाजू से चलाती रही, तो मेरी बाजू में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था, काफ़ी टाइम तक हिलाकर पेन होने लग गया था। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया था, उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी, और यहाँ पर गर्म पानी वगैरह डालने के बाद इसको और भी अच्छे से चलाना पड़ता है, क्योंकि देखिए ये घड़ा होता जा रहा था। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पानी डालने के बाद इसको और अच्छे से चलाना शुरू कर दिया, और चला चला कर मेरा हाथ इतना ज़्यादा दर्द करने लग गया था, और अभी निकल चुका है हमारा फाइनली मक्खन। तो यहाँ पर ये मक्खन निकल चुका है, देखिए पानी भी अलग हो चुका है, तो मैं इसको रख दूँगी अब ढककर फ्रिज में जमने के लिए, तो ये पानी अलग हो जाएगा और मक्खन अलग से जमकर साइड में हो जाएगा। और उसके बाद में खाना वगैरह भी मुझे भी बनाना था, तो सारा ही सामान रखा हुआ है। और ये देखिए मेरा फ्रिज, मैंने स्टैंड वगैरह सूख गए थे तो बिल्कुल लगा दिए हैं, और अभी देखिए फ्रिज बिल्कुल क्लीन होने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। तो ये जब फ्रिज न्यू लिया था मैंने, तभी ये जला हुआ निशान था इसमें, तो ये पता नहीं क्यों मतलब ऐसा था निशान, उसके बाद से मैंने तब तो ध्यान नहीं दिया, जब ये साफ़ करते हैं तभी ध्यान देते हैं इस पर। और यहाँ देखिए बिल्कुल चमक चुका है, उसके बाद ये पानी कि जो मैंने ट्रे निकाल दी थी उसकी वजह से यहाँ से पानी बर्फ़ वगैरह थी जो वो पिघल कर निकल रही थी, यहाँ पर पानी बार बार घिन रहा था, तो इसको बार बार मैं शीशे को साफ़ कर रही थी। उसके बाद ये देखिए मैंने कढ़ाई जो कि तो ही रख दी है, और यहाँ पर पानी भी रख दिया है बोतल भरकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और ये कवर वगैरह भी इसके बिछा दिए, यहाँ पर सभी स्टैंड वगैरह लगा दिया, और आयरन कर रहा है अपना टीवी देखने का काम। तो यहाँ पर हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा है रात का समय, तो अभी बज रहे हैं रात के 7:45, तो यहाँ पर मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर 7:45 बज चुके हैं,
तो देखिए घड़ी में बिल्कुल पूरे 7:45 बज चुके हैं और यहाँ पर देखिए टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था बिल्कुल, मतलब फ्रिज साफ करने के चक्कर में 6 बजे की लगी हुई थी, तो करते करते मुझे 8 बज चुके थे। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से नहा धोकर खाना बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि बर्तन वगैरह क्लीन किए थे तो सारा मतलब कपड़े वगैरह भीग गए थे, तो इसलिए मैं नहा कर आ चुकी हूँ। और नहाने धोने के बाद मैंने फटाफट से बनाना शुरू कर दिया सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर की सूखी सब्ज़ी, क्योंकि कल भी दूध ख़राब हो गया था मेरा, और यहाँ पर आज मैंने फिर दूध को ही फाड़ कर पनीर बना लिया था। तो उसके बाद मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और थोड़ी सी शिमला मिर्च रखी हुई थी, तो सब काट कर रख लिया था। तो पहले डाल दिया मैंने तेल, उसमें हींग जीरा डालने के बाद डाल दिए थे अपने प्याज, और वही प्याज टमाटर वगैरह डालने के बाद शिमला मिर्च डाल दी। तो इन सबको मैं अपना 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून दूँगी। तो यहाँ पर इसको मैं ढककर रख दूँगी, तब तक के लिए भून जाएगा और यहाँ पर ये भूनता रहेगा, इतने में मैं कर लूँगी अपने दूसरा काम। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छे से भून चुका है और अब इसमें भुने हुए में डाल दूँगी अपना पनीर। तो ये देखिए कितना सारा पनीर रखा हुआ था, तो मैंने इसमें पनीर भी डाल दिया है। उसके बाद इसको हिलाकर अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो इसमें मलाई वगैरह डालने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पहले से ही पनीर में मतलब बहुत ज़्यादा दूध में मलाई थी, तो वो सब भी इसलिए पिघला हुआ था। और यहाँ पर मैंने फटाफट से सब्ज़ी हमारी बन चुकी है और यहाँ पर मैंने रख दिया तवा। तो रात को तवा वगैरह नहीं धोते हैं, इसलिए मैंने इसको भी नहीं धोया है। तो उसको मैंने कपड़े से अच्छे से पोने से साफ़ करके रख लिया है और बनाने शुरू कर दूँगी फटाफट से रोटियाँ, ताकि सब खाना खा लें, गर्म गर्म ही बन जाएंगी साथ के साथ और सभी एक साथ खा लेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से रोटी और पनीर की सब्ज़ी, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। तो जब तक हम खाना वगैरह खाते हैं, तब तक आपको मैं अपने रामपुर की क्लिप दिखाती हूँ कि रामपुर में ईद की तैयारी किस तरह से चल रही है। यहाँ पर सच में बहुत अच्छे से सजावट वगैरह कर रखी थी तो सभी ने, और आज ईद है तो ईद की शुभकामनाएँ आप सबको मेरी तरफ से भी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से भी। तो ईद मुबारक हो। और यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट से पराठे बनाने शुरू कर दिए। तो पराठे वगैरह मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रात के समय यहाँ रोटी बनाऊँगी, तो ये पराठे सिर्फ कान जी को भूख लगाने के लिए वंशी का बोलती है कि मतलब पराठे बना दो। सूखी पनीर की रोटी भी नहीं बनाई थी आज, क्योंकि गलती से सारा ही डाल दिया था सब्ज़ी में। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए बना दिए हैं नमक मिर्च के पराठे और साथ में दे देंगे मलाई, और अपने लिए बना लूँगी सिंपल रोटी। और यहाँ पर इतने में मैं अपनी रोटी वगैरह बनाती हूँ, और रोटी वगैरह बनाते बनाते मुझे फिर भी इससे गर्मी लगने लग गई थी, तो गर्मी हो ही रही थी बहुत ज़्यादा। और नहा धोकर आई थी, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि गैस की वजह से, गैस में मतलब छोटा है धुआं वगैरह, तो इस वजह से। देखिए यहाँ पर खाना मैंने इनके लिए लगा दिया, तो मैं इनको खाना दियाती हूँ डालकर, और उसके बाद बच्चे भी अपने यहाँ डाल लेंगे, तो सभी खाना खा लेंगे फटाफट से। और वो देखिए वहाँ पर रखी हुई है पेस्ट, तो पेस्ट और रखी थी ख़त्म, तो बच्चे इस वजह से बेलन से उसको निकाल कर रख रहे थे रात को। तो खाना वगैरह खाने के बाद भी बच्चे एक बार कर लेते हैं पेस्ट, एक बार सुबह में करते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे वगैरह सब खाना खा लेंगे। तो देखिए वंशिका आ चुकी है, वंशिका अपने लिए खाना डाल लेगी। और ये वो क्लिप है जो रात के समय में हमने शूट की थी। तो देखिए रात के समय में यहाँ पर कितनी रौनक लग रही थी जब हम मार्केट गए थे सामान लेने। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी लड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं और अच्छे से बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर हमने बनाई हुई हैं अपने लिए फेनियाँ। तो यहाँ पर हमने इतने में खाना वगैरह खाया था, उसके बाद मैं थोड़ी देर चली गई थी ऊपर छत पर घूमने के लिए, और इतने में नीचे आई थी तो फिर उन्होंने बोला कि फेनियाँ बना लो दूध की, क्योंकि दूध पीने का मन नहीं था इनका। तो दूध में मैंने फेनियाँ बनाने शुरू कर दिया, क्योंकि ये रमज़ान का महीना चल रहा था तो इसी में ही आती हैं, और वैसे महीने मतलब नहीं मिलती, तो इस वजह से ये आज इकट्ठी ही लेकर आ गए थे पहले ही। और यहाँ पर मैं फटाफट से दूध उबाल आ गया था, दूध में डाल दी फेनियाँ, और इसमें 2 से 3 उबाल आने के बाद मैंने इसमें थोड़े से डाल दिया बादाम काट कर और थोड़ी सी डाल दिया चीनी। तो इसमें मैंने सिम गैस पर इसको रख दिया पकने के लिए, तो इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है। पर मैं चली गई थी रूम में कुछ काम से, तो यहाँ पर इन्होंने फटाफट से बन चुकी थी फेनियाँ, और ये यहाँ पर अपना लगा रहे हैं सबके लिए, क्योंकि आर्यन सो चुका था, तो यहाँ पर ये हमारे तीनों के लिए लगा रहे हैं। और इस वीडियो का भी यहीं पर एंड कर दिया, खाना वगैरह हमने ये खाकर तो यहाँ पर सो रहे हैं, उसके बाद करते हैं इस वीडियो का एंड। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को